बोले सरस्वती मैया की जय, बोले सच्चे दरबार की जय। बहुत बहुत धन्यवाद है, हृदय से धन्यवाद है। ये आशीर्वाद कि लगता है मेला जाने का, आया है। बढ़िया बढ़िया बेटा, बड़े आराम से कहते जा रहा है कि गीत बहुत साधारण है। और क्या, गीत में कुछ नहीं है। लिखने वाले के दिल से पूछो। और कथा पूरी यहाँ से लेकर वहां तक लेते चले जा रहे हैं। अच्छा है, आपने दिखाया कि हनुमान जी महाराज जब रावण के दरबार में बांध करके ले जाए गए, हाँ, और हनुमान जी महाराज खड़े हैं, हाँ, रावण पूछ रहा कौन है रे, कौन है, कहाँ से आया, कहाँ से आया, अरे बंदर जरा अपने बारे में बता तो सही। और क्या, तो हनुमान जी कह रहे हैं, अरे सुनेगा, सुनिए, आपका गीत कह रहा है क्या, नहीं कुछ खास हो राम का दास हो, नहीं बलवान हो ना ही गुणवान हो, फिर भी लोग बजरंग बली कहते हैं, हमें मंगली कहते हैं, अजी जंगली कहते हैं, सुनता गया। रावण को क्रोध आ गया, जैसे ही याद आया कि इसने हमारे पुत्र को मार दिया, रावण को क्रोध आ गया। रावण ने कहा, रे बंदर, रे बंदर, मृत्यु तेरे बगल में खड़ी है, तुझे डर नहीं लग रहा है,
मृत्यु तेरे बगल में खड़ी है, तुझे डर नहीं लग रहा? हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं। ना क्यों? क्यों? बोले मृत्यु मेरे बगल में खड़ी जरूर है, लेकिन देख तेरी ओर रही है। तो फिर तेरे बगल में करने क्या गई है? हनुमान जी बोले हमसे तो पूछने आई है कि रावण का काम अभी खत्म करना है कि और चलने दे। ना ना ना, अभी तो शुरू हुआ है ये, और चलने दो। रावण को गुस्सा आ गया, बोले इस वानर को मार दो। तो विभीषण जी आए, बोले नीति विरोध ना मारिए दूता, आन दंड कछु करिए गुसाई। तो कहा क्या किया जाए? अब हनुमान जी महाराज ने सोचा कि पता नहीं क्या दंड देगा, तो बोले इस वानर के अंग भंग कर दो। ससिरा जी कहे इस वानर के अंग भंग कर दो। अब अंग भंग में कोई नाम तो लिया नहीं कि कौन सा अंग भंग करना है। हनुमान जी को चिंता लग गई, कहीं इसको अपनी बहन की याद ना आ जाए, कहीं हमारे ना नाक कान काट दे। तो लोग क्या कहेंगे कि राक्षसों की नगरी में जाके नाक कान कटा के आ गए। सो हनुमान जी पूछ ले माथे से लगाए और चूमे, पूछ ले माथे से लगाए और चूमे। अरे बोले समझ गया, कप के ममता पूछ पर, इसकी पूछ में आग लगा दो। और क्या? अच्छा पूछ में आग लगाई, हनुमान जी महाराज ने कहा कि जब आग लगा ही दी तो प्रसाद भी दे दे। लंका जलाई तो जरा सुनेंगे राक्षस क्या कह रहे हैं। क्या क्या लंका को जलती देखा, बड़े भैया राक्षस घबरा गए। हाँ हम तो समझ रहे थे कि साधारण बंदर है, हमने समझा था कि साधारण बंदर है, और क्या? लेकिन लेकिन कि बड़ा बलवान है, कपी बुद्धिमान है। राक्षस कह रहे हैं कि बड़ा बलवान है, कपी बुद्धिमान है। आप कह रहे हो, खुद कह रहे हनुमान जी ना मैं गुणवान हूं ना मैं कोई खास हूं, लेकिन राक्षस क्या कह रहे हैं? क्या बेटा सुनेगा? बड़ा बलवान है, कपी बुद्धिमान है, सुनो शक्तिमान है, अजी गतिमान है। सुनिए सुनिए आदरणीय ससुरा जी, फिर भी नहीं सुनिए सुनिए। बड़ा बलवान है, कपी बुद्धिमान है, सुनो शक्तिमान है, अजी गतिमान है। सुनिए 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 सुनिए, अरे इस रामा दली कहते हैं, इस रामा दली कहते हैं, इसे रामा दली कहते हैं। जय हो। क्योंकि हनुमान जी ने केवल यही पता बताया था कि मैं राम गदल का छोटा सा दास हूं। कि इसे रामा दली कहते हैं, इसे रामा दली कहते हैं। अरे ससुरा जी सुनने का प्रयास है, सुनिए। हम ये नहीं कहेंगे कि जवाब है और क्या, लेकिन हम प्रयास जरूर करेंगे। और विश्वास मानिए, रात्रि भर विश्वास दिला रही हो कि चाहे इधर से हो और चाहे उधर से हो, और क्या प्रयास होगा, प्रयास होगा।
कमजोरी कोई नहीं छोड़ेगा, ना बेटे ना, कभी कोई नहीं छोड़ेगा, प्रयास रहेगा कि आपको भरपूर देके जाए। सुनेगा, सुनिए, कि सोने की लंका जिसने जारी, पुरस्कार बोल दो हमारे मुकेश के लिए आए हैं। ये 101 पद्मुद्राएं गुप्ता टेंट एंड लाइट हाउस। वाह गुप्ता जी, कोई और से पुनः भैया मुकेश सिंह के लिए 101 पद्मुद्राएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है, क्योंकि जो लंका के गुप्तचर हैं वो सोच रहे कह क्या रहे हैं। क्या कह रहे हैं बेटा? किसने की लंका जिसने जारी, बगिया भी सारी खलबली मचाई के सारे राक्षस परेशान हो गए। वजीरा जी जी क्या किया, क्या किया कि मचा दी खलबली, बात समझो खली, सभी महावीर बल कहते तो इसे रामा दली कहते। बहुत बढ़िया बेटा, एक टुकड़ा और सुनेगा। अरे भैया सुने सुने ले बेटा, राधे राधे स्वीट हाउस, क्या बात है, एक से एक पद्मुद्राएं। बहुत बहुत धन्यवाद है, हृदय से आभार व्यक्त करी हो। सुनेगा एक टुकड़ा और सुनिए। अरे मारे हैं जिसने सुनिएगा भट्ट, मारे गिराए जिसने सुभट्ट, अरे छोटी मोटी सेना नहीं मारी है ना, इसने तो भट्ट सुभट्ट महाभट्ट दारुण भट्ट का संहार किया हो, ऐसा बली है ये, ऐसा तुम्हारे है जिसने सुनिएगा भट्ट, मारे गिराए जिसने सुभट्ट, और महाभट्ट की तुमसे क्या मैं कहूं, महाभट्ट की तुमसे क्या मैं कहूं, मार गिराए दारुण भट्ट, मारे गिराए दारुण भट्ट। और ये था कैसा, बड़े भैया सुनेगा, क्योंकि हनुमान जी महाराज ने विचार किया कि रावण का आदेश पाके सब चंदा लेके आ गया। और क्या, जात उधान सुन रावण बचना, लागे रचय मूल सुई रचना, बोले रहाना नगर बसन ग्रतेला, बाढ़ी पूछ कीन कपि खेला। हनुमान जी ने कहा कि आदेश मिला तो सब चंदा लेके आए, तो सबके यहाँ प्रसाद दे आए। और क्या, बोले जब सबके यहाँ प्रसाद दिया तो महाराज कुटिया का छोड़े आए, हाँ विभीषण की कुटिया में भी आग लगा देते। और क्या, हनुमान जी महाराज बोले देखो एक नियम है,
कि जो जो चंदा देता है सब प्रसाद उसके यहाँ भिजवा देते हैं। और क्या बोले, इस चंदा प्रसाद से और कुटिया ना जलाने से क्या मतलब? बोले मतलब है, रावण ने आदेश दिया तो सारे निशाचर घी तेल कपड़ा सब लेके आ गए। और क्या, हमने कहा सबने चंदा दिया तो सबके यहाँ प्रसाद दिया है, बोले कुटिया क्यों छोड़े आए? बोले महाराज विभीषण ने चंदा ही नहीं दिया था। येलो सुनिएगा, कहने लगे क्या निशाचर